नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि चिलर काम कैसे करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल चिलर हर इंडस्ट्री में यूज होता है और हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, और कई बार हमारे इंटरव्यू में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब आप आने वाले कुछ मिनटों में सीख सकते हैं कि चिलर कैसे काम करता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये सिस्टम पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। तो सबसे पहले चीलर होता क्या है, व्हाट इज वाटर चीलर। आज हम बात करेंगे ओनली वाटर चीलर के बारे में। चीलर चीलर होता क्या है? चीलर एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसको हम पानी को ठंडा करने के लिए यूज करते हैं, और उस पानी को हम किसी भी मशीन में यूज कर सकते हैं। जिस मशीन को चलाने के लिए हमें ठंडे पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि चीलर काम कैसे करता है और किस प्रिंसिपल कर काम करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं एक सर्किट बनाया हूँ जिसके द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। मेनली कि दो तरह के चीलर होते हैं। पहला होता है वाटर कूल्ड चील्ड, एयर कूल्ड चीलर। आज हम सिर्फ ओनली वाटर कूल्ड चीलर के बारे में बात करेंगे, ओनली वाटर कूल्ड चीलर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, चीलर के ओनली चार पार्ट होते हैं, मेन कंपोनेंट फोर कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट इज कंप्रेसर, सेकंड इज कंडेंसर, थर्ड इज एक्सपेंशन वाल्व और फोर्थ इवेपोरेटर। जैसे कि आप देख रहे, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर। एक सर्किट बनाया जाता है जिसके बेस पे इस वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसी के बेस पे हमारा चिलर काम करता है। तो कंप्रेसर कंप्रेसर फर्स्ट इज कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम क्या होता है? कंप्रेसर कंप्रेसर का काम होता है कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट गैस इज कंप्रेस्ड लो प्रेशर टू हाई हाई। कंप्रेसर काम क्या होता है? कंप्रेसर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन गैस होता है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है, उसको हाँ लो प्रेशर से हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये हाई प्रेशर तो हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है। उसके बाद हमारा जाता है, हमारा जो रेफ्रिजरेंट जाता है वो कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर कंडेंसर में का काम क्या होता है? कंडेंसर का काम होता है कि रेफ्रिजरेंट, जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है, उसको वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट करता है। वेपर से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करता है? जब हम, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ से गैस इन हो रही है, यहाँ से आउट हो रहा है, इसी तरह यहाँ से कोल्ड वाटर इन होता है, जो कि हमारा किसी जैसे कूलिंग टावर से आता है, यहाँ से इन होता है और यहाँ से आउट होता है। तब ये कोल्ड वाटर इसमें एंटर करेगा तो जो पानी, ठंडा पानी आएगा, वो अपनी साथ हीट लेके जाएगा। जो हीट, जो यहाँ से हॉट वाटर, यहाँ से लिक्विड, तो यहाँ से कंडेंसर क्या है, यहाँ से हमारा जो गैस होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा जाता है ड्रायर में, ड्रायर जिसको हम लिक्विड ड्रायर भी बोलते हैं। ठीक है, इस ड्रायर का काम क्या होता है? ड्रायर का काम क्या होता है? ड्रायर एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम लिक्विड। जो जो हमारा गैस में जो मॉइस्चर होता है, जो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके 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 बाद में लगा होता है साइट ग्लास। क्या होता है? कभी कभी हमें चेक करना पड़ता है कि हमारा लिक्विड जा रहा नहीं है, सिस्टम में लिक्विड है कि नहीं है, उस ड्यूरेशन हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हमारा आता है एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व का काम क्या होता है? एक्सपेंशन वाल्व हाई प्रेशर को लो प्रेशर में कन्वर्ट करता है, लो टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है, लो प्रेशर में। तो ठीक है, कंडेंसर का एक दूसरा काम भी होता है, ये भी हमारा हाई प्रेशर टू नॉर्मल टेम्परेचर पे कन्वर्ट कर देता है। इसके बारे में इसका ये उसी टेम्परेचर को और डाउन, मतलब और कम करके आगे फॉरवर्ड करता है आगे। इसके बाद हमारा आता है इवेपोरेटर। इवेपोरेटर का काम क्या होता है? इवेपोरेटर का काम होता है कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है, रेफ्रिजरेंट होता, उसको लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करता है। जो हमारा इवेपोरेटर है उसको लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, लिक्विड से वेपर में कैसे कन्वर्ट होता है? जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ हॉट वाटर इन फ्रॉम मशीन, यहाँ से हमारा जो हॉट वाटर आता है, जो हम किसी सिस्टम से हमारा जोड़ देते हैं, वहाँ से हॉट वाटर आएगा, उसके बाद ये कोल्ड वाटर आउट हो जाएगा। जो हॉट वाटर गया अपने हाथ हीट जाएगा, तो यहाँ पे वेपर में, यहाँ पे बॉयल होगा। बॉयल होने के बाद हमारा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर में कन्वर्ट करना, ये सेकेंड चीज, ये काम क्या करता है? एक्सपेंशन वाल काम क्या करता है? यहाँ एक इसमें एक एक में
सेंसिंग बल्ब लगा होता है। सेंसिंग बल्ब के जैसे जैसे हमारे यहाँ होट होगा तो इसमें एक लिक्विड होता है जो जो हीट होता है, हीट होने के बाद प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर से हमारा ये ऑन होता है, इसमें एक प्लंजर होता है तो ये ऑन होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये ऑन ऑफ होता रहता है एक्सटेंशन वाल्व। तो इवेपोरेटर में क्या होता है, हमारा रेफ्रिजरेंट है जो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वेपर में यहाँ हमें लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर का वेपर मिलेगा जो कि हम सख्त कंप्रेसर में दोबारा से आ जाएगा। ऐसे इसी तरह अगेन एंड अगेन यही साइकिल कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। थैंक यू सो मच।